मैंने पूरा ब्लॉग बनाया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। पूरा बताऊंगा कैसे हमारी चेकिंग हुई, कैसे हम घर पहुंचे, क्या क्या हमने किया। तो अभी मैं सो के उठाऊंगा, अभी थोड़ी देर में फ्रेश होने जाऊंगा, उसके बाद तैयार होंगे और उसके बाद चलेंगे सीधा घर पे। 40 दिन बाद बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। आज जाके, अब जाके परमिशन मिली है। हर एक चीज़ बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। हम हो गए रेडी घर जाने के लिए। और ये रवि जी करना जरा हाय, हाय करना। और ये हो रही है हमारी पैकिंग, हम चले आज घर। हर एक पल से गुफ्तगू कराएंगे, कैसी हमारी चेकिंग हुई, कैसी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, कैसे नाके लगे हुए, पोस्ता घर से बज जाए, कैसे घर से बजेंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे। क्यों लेके जा रहे हैं अपना बल्ला साथ में, ये हमारा बल्ला। क्यों ठीक नहीं है, गेड़ा देंगे तो क्रिकेट को। बाकी मिलते हैं फिर से थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। और भाई ये है हमारी टैक्सी और आगे लगा है नाका। तो मैं भी आपको जैसे ही मौका मिलता मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अपना जा रहा, यहाँ पे हर एक बंदे की चेकिंग हो रही, हर एक जो जहाँ से भी आ रहा चेकअप करे अच्छे तरीके से, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा जैसे मैंने आपको दिखाया था। भाई प्राउड फील हो रहा है जितने सकता है हिमाचल में। अगर आप भी आओगे तो आप शायद व्यस्त होगा। अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोले तो भाई 11 बजे के बजाय आप सुबह 8 बजे निकले तो अच्छा होने, तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे अभी 1 घंटे से मैं लाइन में था। फिर आगे हम बताएंगे हम धर्मपुर से कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसी कैसी चेकिंग होगी, हर एक अपडेट आप देता रहूँगा, बने रहना मेरे साथ। भाई हम पहुँच चुके का सुपाटू। अब यहाँ से हम मारो कम से कम लगेंगे 2 घंटे और, तब जाके हम निकलेंगे शायद गंबरपुर। और ये देखो यार ये लौंडा हर कहीं, दो कर घंटे। रवि जी क्या कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया है ना, शानदार। अभी हम सुपाटू से जाएंगे रामशहर। रामशहर थोड़ा जाना हमने, हम तो इधर से जाएंगे अपना क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं पता जाना कहाँ से। क्या जबरदस्त व्यू है भाई, ठंडा हिमाचल। वो सबक मुका के बह जाती, हम पेंसिल कड़िया करते दे आओ जब हम पढ़िया कर। बंदे ऐसे देख रहे हो, नहीं आतंकवादी तो चले गए, रवि तेरे को देख के डर रहे हो। हम पहुंच गए हैं ब्राड़ी घाट, ब्राड़ी घाट थोड़ा ऊपर, और अभी नहीं पहुंचे, पहुंचने वाले। और हम रुके चाय पीने, तो चाय वाले ने क्या बोला, गाड़ी में बैठे रहो, जब बनेगी तब बुलाऊंगा मैं। तो मतलब समझ सकते हो कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है ना, कितनी सख्ताई है। सही है भाई, मत अब देखते भाई नमोल से, अब रह गया हमारा 1-2 घंटे का सफर पूरा। धर्मपुर कौन सा धर्मपुर? ये देखिए भाई नमहोल का नज़ारा, यहाँ पे लगा है जाम। और ये जाम है इसलिए गाड़ी की एंट्री, स्क्रीनिंग टेस्ट और हमारे बचाव के लिए। हे गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सलापड़, यानी सलापड़ वैली। तो आप खुद नज़ारा देख सकते हो यहाँ का, ये इसे इतनी खूबसूरत क्यों बोला जाता है। फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं, यानी कोल्डम। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ये कोल्डम सतलुज नदी पर बना है और देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो अब आप खुद देखें और बताएं। और हाँ, 800 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करता है। अब आप देखें और कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और ये रहा मेरा रूम। तो मैंने पूरा ब्लॉग बनाया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना।